नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष और आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज के वाले वीडियो एकदम खास होने वाले, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किस वजह से पेटीएम को रिमूव किया गया है प्ले स्टोर से, और साथ ही हमें पेटीएम की दूसरी कौन सी ऐप देखने को मिल रही है जिसे रिमूव किया गया है प्ले स्टोर से, और साथ ही में बात करेंगे कि क्या रीज़न है इसके पीछे का, यानी कि किस वजह से इन दोनों ही ऐप को रिमूव किया गया है प्ले स्टोर से। और इसके रिगार्डिंग हमें काफ़ी सारी रूमर्स देखने को मिल रही है, हालांकि ये हमें पहले नंबर पर ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है #Paytm। उसके अलावा भी हमें काफी सारी रूमर्स देखने को मिल रही है, काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इसी के रिगार्डिंग काफी लोगों ने अपनी खुद की थ्योरीज भी बना ली है, तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं एक्चुअल रीजन को लेकर के कि किस वजह से हमें Paytm प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा अब से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को बिना लंबा किए अगर हम बात करते हैं एक्चुअल रीजन की कि किस वजह से पेटीएम ऐप और साथ ही में पेटीएम की जो गेमिंग ऐप है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, वो हमें बैन देखने को मिल रही है प्ले स्टोर से, यानी कि प्ले स्टोर से रिमूव की गई है, तो उसके पीछे का जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि इन दोनों ही ऐप्स के अंदर हमें गैम्बलिंग और बैटिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पेटीएम के साथ में, हमें ये पहले एक बार और देखने को मिला था जहां पर पेटीएम ने पहले भी गैम्बलिंग का सपोर्ट अपनी ऐप के अंदर प्रोवाइड कराया था, यानी कि बैटिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड कुछ गेम्स अपनी ऐप के अंदर प्रोवाइड कराए थे, और ये हमें बेसिकली पेटीएम के थ्रू पेटीएम के पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम पेटीएम ऐप के अंदर गैम्बलिंग वाले गेम को ओपन करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको एक ऐसे पेज पर जहां से डाउनलोड होगी पेटीएम फर्स्ट ऐप, या फिर कहा जाए तो पेटीएम की जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप है उसकी तरफ आप रीडायरेक्ट हो जाओगे और उस ऐप को डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पेटीएम की जितनी भी ऐप है उन्हें रिमूव किया गया है प्ले स्टोर से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पेटीएम की सिर्फ दो ही ऐप देखने को मिल रही है रिमूव प्ले स्टोर से, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। इसके अलावा जो ट्रेडिंग ऐप है और पेटीएम की बाकी भी जितनी ऐप्स हैं वो सभी प्ले स्टोर पर रहेगी, और साथ ही में जिन यूज़र्स के डिवाइस के अंदर पहले से ये ऐप इंस्टॉल है जो प्ले स्टोर से बैन हुई है, यानी कि पेटीएम ऐप और पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप है, तो अब भी आप उन्हें इंजॉय कर सकते हो, यानी कि अब भी आप उन्हें चला सकते हो। और जो सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है वो हमें प्राइवेसी के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है कि अब से प्राइवेसी ठीक नहीं रही पेटीएम की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेसी की वजह से रिमूव नहीं किया गया है प्ले स्टोर से यही पेटीएम ऐप और साथ ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ये सिर्फ गैम्बलिंग और बैटिंग की सपोर्ट की वजह से बंद किया गया है, यानी कि हटाया गया है प्ले स्टोर से। तो यही था मेन रीज़न, इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी रूमर्स देखने को मिल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही था इस वीडियो का मोटिव कि क्विक इन्फॉर्मेशन दी जाए आप सभी को। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ।